एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड का कैसा रहता है बोले तो ये कलरलेस है, लेकिन जब ये बाहर ऐसे ये ओपन करते हैं ना, सनलाइट के साथ ये करते हैं ना, तब क्या होता है बोले तो ये येलो कलर होता है। क्यों बोल के देखेंगे तो क्या होता है बोले तो जो नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर हम नाइट्रिक एसिड से ओपन करें तो वो क्या होता है बोले तो येलो से वो सनलाइट के एक्सपोजर करें तो वो येलो कलर होता है। ओके, क्यों होता है बोले तो क्योंकि HNO3 decomposes to NO2। क्या होता है बोले तो नाइट्रिक एसिड डीकम्पोज होकर क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या होता है बोले तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो ब्राउन इन कलर रहता है और HNO3 क्या करता है बोले तो येलो इन कलर में फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है बोले तो ये इनका क्या है बोले तो ब्राउन कलर है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर है तो वो क्या करता है बोले तो वो HNO3 में डिकम्पोज होता है ना, तो डिकम्पोज होने की वजह से HNO3 को क्या करता है बोले तो येलो कलर में फॉर्मेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या करता है बोले तो HNO3 का ऑलवेज कलर येलो होता है जब वो सनलाइट के साथ एक्सपोजर किया। ओके, तो अभी हमारा क्या है बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होता है बोले तो फर्स्ट इन एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर में क्या होता है बोले तो अगर हम ये क्यों फॉर्मेशन होता है बोले तो व्हेन नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन कंबाइन करे तो वो क्या होता है बोले तो हमको एसिड फॉर्मेशन मिलता है। कैसे, ये क्या है बोले तो हमारा नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या है, ये नाइट्रिक एसिड को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो तब हमको क्या मिलता है बोले तो ये हमारा हो गया हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन हो गया, और ये क्या है बोले तो हमारा नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। तो ये क्या होता है बोले तो व्हेन ये एसिडिक फॉर्मेशन हो गया तो हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो। तो अभी हमारा सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है जो रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स का मतलब हम कौन कौन से ले रहे हैं बोले तो जिंक एंड कॉपर ले रहे हैं। तो अगर जिंक जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या फॉर्मेशन होता है, और कॉपर अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या फॉर्मेशन होता है बोल के हम देखेंगे। तो ये क्या है बोले तो जिंक है और ये क्या है बोले तो नाइट्रिक एसिड है। तो ये दोनों कंबाइन होने के बाद क्या हो रहा है बोले तो जिंक एंड ये नाइट्रेट है ना, तो जिंक नाइट्रेट आपको एक कॉम्प्लेक्स की तरह हमको फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है बोले तो वाटर मिल रहा है, और क्या है बोले तो कलरलेस गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड मिल रहा है। तो उसके बाद क्या है बोले तो अगर जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो तो तभी भी हमको क्या मिल रहा है बोले तो यानी जिंक नाइट्रेट एंड वाटर एंड 2NO2 मिल रहा है। ये दोनों क्या है बोले तो सेम है, बस क्या ले रहे हैं बोले तो हम इधर 10 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, इधर हम क्या ले रहे हैं बोले तो 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बोले तो कॉपर। सो व्हेन कॉपर इज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, क्या है व्हेन कॉपर इज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड देन वी आर गेटिंग ए क्यूपिक नाइट्रेट। तो ये क्या हो रहा है बोले तो कॉपर और नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट में क्या हो रहा है बोले तो कॉम्प्लेक्स की तरह कंकरेंट यानी क्यूपिक नाइट्रेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके बाद क्या है बोले तो हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड और क्या हो रहा है बोले तो वाटर मिल रहा है। क्या हो रहा है बोले तो व्हेन कॉपर इज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड देन वी आर गेटिंग ए क्यूपिक नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। सो अभी हम क्या ले रहे थे, इधर क्या ले रहे थे बोले 3 मोल ऑफ कॉपर ले रहे थे और 8 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड ले रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो कॉपर कितने में ले रहे और नाइट्रिक एसिड क्या कर रहे हैं बोले तो हम 4th मोल में ले रहे। तो व्हेन कॉपर इज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड देन वी आर गेटिंग ए क्यूपिक नाइट्रेट एंड वी आर गेटिंग ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्या हो रहा है बोले तो इधर वाटर हमको लास्ट होके मिल रहा है। सभी में क्या हो रहा है बोले तो वाटर लास्ट हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया बोले तो हमारा सेकेंड केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल्स राइट। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड के बारे में देखेंगे। तो क्या है बोले तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कौन कौन सा एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर है बोल के देखिए हम क्या करेंगे बोले तो कैसा फॉर्मेशन होता है बोल के देखेंगे। तो ये क्या है बोले तो आयोडाइड, क्या है बोले तो ये आयोडाइड। व्हेन आयोडाइड इज रिएक्ट्स विद 10 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, व्हेन आयोडाइड इज रिएक्ट्स विद 10 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग वी आर गेटिंग ए 2HiO3 यानी आयोडिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो आयोडिक एसिड। और उसके बाद क्या मिल रहा है बोले तो 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है। ओके, तो और क्या है बोले तो कॉपर, अगर कॉपर सॉरी कार्बन इज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ये क्या है बोले तो
कार्बन इज येट्स विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग वी आर गेटिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तब क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और ब्लास्ट में वाटर फॉर्मेशन। ओके, अभी ये क्या है बोले तो सल्फाइड का एक ग्रुप है यानी ऑक्टा सल्फेट। सो व्हेन ऑक्टा सल्फेट इज रिएक्ट्स विद 48 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हेन ऑक्टा सल्फेट इज रिएक्ट्स विद 48 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड देन वी आर गेटिंग ए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा है बोले तो 48 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है और 16 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम टेट्राफॉस्फेट को देखें तो व्हेन टेट्राफॉस्फेट इज रिएक्ट्स विद 20 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हेन टेट्राफॉस्फेट इज रिएक्ट्स विद 20 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड देन वी आर गेटिंग ए 4 मोल ऑफ H3PO4। इसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। तो उसके बाद 20 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर हमको मिलता है। ओके, ये क्या हो गया बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड का हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डज नॉट डिसॉल्व आयरन क्रोमियम एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। क्यों नाइट्रिक एसिड आयरन क्रोमियम एल्युमिनियम इसमें क्यों डिसॉल्व नहीं होता बोल के क्वेश्चन करता है। क्यों बोले तो क्योंकि ये आयरन है क्रोमियम है एल्युमिनियम है मैग्नीशियम है, ये सभी एलिमेंट्स क्या करता है बोले तो ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है यानी ऑक्साइड इजीली फॉर्मेशन करता है। इसकी वजह से क्या होता है बोले तो यानी इधर देखो आयरन आयरन क्या होता है बोले तो आयरन 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 डाइऑक्साइड आयरन डाइऑक्साइड ऐसा Fe2O3 फॉर्मेशन होता है और क्रोमियम करें तो Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और एल्युमिनियम देखो तो Al2O3 फॉर्मेशन होता है और मैग्नीशियम देखो तो Mn2 Mn2O3 फॉर्मेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बोले तो जो भी आयरन क्रोमियम एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम है उसके ऊपर क्या होता है बोले तो थिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए थिन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एक थिन ऑक्साइड का सरफेस रहता है। इसकी वजह से क्या होता है बोले तो आयरन क्रोमियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता। ओके, तो अभी हमारा अगला टॉपिक है ब्रोमरीन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी 3 मार्क्स में पूछा। ओके, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा। सो व्हाट इज ब्रोमरीन टेस्ट? तो ब्रोमरीन टेस्ट का मतलब क्या होता है बोले तो ये क्यों यूज करते हैं बोले तो एक नाइट्रेट ग्रुप को यानी नाइट्रेट रेडिकल को हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं बोले तो समझो ये टेस्ट ट्यूब में, ये क्या है बोले तो टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या है बोले तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो इसको आयरन ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बोले तो Fe2+ ऐड कर रहे हैं। तो Fe2+ आयन रिड्यूसेस इनटू द NO3- आयन इनटू नाइट्रिक एसिड। तो इसका मीनिंग क्या होता है बोले तो ब्राउनिंग टेस्ट में क्या होता है बोले तो अगर हम नाइट्रेट रेडिकल को डिटेक्ट करने का रहे तो जब हम आयरन ऐड करते हैं ना तो आयरन ऐड करने के बाद इसमें क्या होता है बोले तो नाइट्रेट आयन इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होता है। क्या होता है बोले तो जब हम आयरन ऐड करते हैं ना आयरन ऐड करने के बाद नाइट्रेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ये हो गया। तो उसके बाद क्या होता है बोले तो तब क्या होता है बोले तो नाइट्रेट साल्ट सॉल्यूशन गिव्स ए ब्राउन रिंग। तो तब क्या होता है बोले तो नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है बोले तो ब्राउन रिंग का जैसा वो फॉर्मेशन होता है सर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है बोले तो ऐसा ब्राउन रिंग का जैसा सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है। कब होता है बोले तो जब हम फेरस सल्फेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड SO4 ऐड करने के बाद वो ऐसा फॉर्मेशन होता है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं बोले तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं बोले तो नाइट्रेट डिटेक्ट करने के लिए आयरन ऐड कर रहे हैं। तो आयरन ऐड करने के बाद क्या हो रहा है बोले तो नाइट्रेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो क्या हो रहा है बोले तो जब हम फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ना, जब हम फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हमको ऐसा ब्राउन रिंग का जैसा कलर फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये क्यों फॉर्मेशन होता है बोले तो जो हमारा नाइट्रोस फेरस सल्फेट ग्रुप है ना, क्या है बोले तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों फॉर्मेशन होता है बोले तो क्योंकि जो नाइट्रोस फेरस सल्फेट है ना वो क्या होता है बोले तो कॉम्पोजिशन की वजह से फॉर्मेशन होता है। कैसे बोले तो ये क्या है बोले तो फेरस ये कॉम्प्लेक्स है और ऐसा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है बोले तो नाइट्रेट है व्हेन नाइट्रेट आयन व्हेन सोडियम नाइट्रेट आयन इज रिएक्ट्स विद आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इट कैन यूज नाइट्रिक ऑक्साइड
ओके तो इसके बाद क्या हो रहा है बोले तो हम लोग को ये आयरन का एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ओके इसके बाद अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो तब क्या हो रहा है बोले तो कितना था हमारे पास बोले तो 6 मोल्स ऑफ वाटर था। तो जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है बोले तो 5 मोल्स ऑफ इधर वाटर आ रहा है और नाइट्रोजन क्या आता है बोले तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का मॉलिक्यूल ये क्या होता है बोले तो बाहर। तो इसका सिंपली समझने क्या है बोले तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं बोले तो सोडियम नाइट्रेट है ना इधर, सो सोडियम नाइट्रेट को क्या होता है बोले तो इस कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो तब क्या चेंज हो रहा है बोले तो जब हम आयरन ऐड करते हैं ना, आयरन ऐड करने के बाद क्या हो रहा है बोले तो सोडियम नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसके बाद क्या हो रहा है बोले तो जब हम फेरस सल्फेट एंड H2SO4 ऐड करते हैं ना, तो फेरस सल्फेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने के बाद इधर क्या हो रहा है बोले तो ऐसा ब्राउन रिंग के जैसा कलर फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसकी वजह क्या है बोले तो ये नाइट्रेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारे क्या है बोले तो नाइट्रिक एसिड का यूजेस देखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड कहां कहां पर यूज करते हैं बोल के देखेंगे। तो पहला वाला यूजेस क्या है बोले तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड अदर फर्टिलाइजर्स। सो जो भी अमोनियम नाइट्रेट को हम प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है बोले तो नाइट्रिक एसिड कंपल्सरी चाहिए रहता है और कौन सा भी एक फर्टिलाइजर रहता है ना उसमें भी हम क्या करते हैं बोले तो नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ओके तो सेकेंड क्या है बोले तो मैन्युफैक्चर ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड पिक्रिक एसिड। सो अभी हमको ट्राइनाइट्रोटोलिन और पिक्रिक एसिड प्रिपरेशन करने का है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं बोले तो नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। तो यह कहां पर यूज होता है बोले तो ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड पिक्रिक एसिड। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है बोले तो ये पिक्रिक एसिड को बैन किया है क्योंकि ये क्या कर रहा है बोले तो बॉम्ब में यूज कर रहा है, मतलब एक्सप्लोजिव, मतलब कौन से भी रहते हैं ना एयरपोर्ट में बस स्टैंड में कहां पर भी वो जो बॉम्ब रख रहे हैं ना, पिक्रिक एसिड क्या करता है बोले तो ये एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है, मतलब ऐसा पूरा ऐसा टूटता है। ओके तो इसलिए क्या हो रहा है बोले तो ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड पिक्रिक एसिड ये एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है, इसकी वजह से क्या करता है बोले तो ये नाइट्रिक एसिड इसमें प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। ओके तो अभी थर्ड क्या है बोले तो प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर हमको गोल्ड एंड सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए ले रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्विरिजिया। तो हम क्या करते हैं बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड HCl क्या करते हैं बोले तो हम 1:3 रेशियो में लेते हैं, तो तब क्या होता है बोले तो वो गोल्ड एंड सिल्वर को हम प्यूरिफाई करते हैं। अभी बोलते हैं ना सोना को थोड़ा उसको धो के दे दो बोल के बोलते हैं ना, वॉश करके दो बोल के बोलते हैं, वॉश आउट करके बोलते हैं ना, वॉशिंग बोल के बोलते हैं ना। तो गोल्ड को अगर आप 1:3 रेशियो में नाइट्रिक एसिड और HCl में एक ले तो तब क्या होता है बोले तो गोल्ड एंड सिल्वर को हम ये वॉश कर सकते हैं। ओके